एक बार फिर से आपका ICS हरदोई YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। देखिए, जैसा कि अभी पिछला टॉपिक हमने जो कवर किया था वो था पाइप और टंकी का। आज जिसके बारे में बात करेंगे वो लिखा है समय और दूरी। तो इस ये टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एग्जाम में क्वेश्चन इसका आना ही आना है। कोई भी छोटा से छोटा एग्जाम हो या बड़ा से बड़ा एग्जाम हो, जैसे कि हम क्वेश्चन आना है। तो देखिए, समय और दूरी और इसी टॉपिक है समय दूरी। इसमें तीन चीजें होती हैं, क्या क्या होता है? चाल, समय और दूरी, ये तीन चीजें हैं। और इस तीनों चीजों से फॉर्मूले बनते हैं तीन। वो क्या होते हैं? जैसे दूरी बराबर आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूसरा क्या बन जाता है? अगर चाल निकालनी हो मुझे, चाल निकालनी है तो ये समय इसके बटे में आ जाएगा। तो चाल बराबर क्या बन जाएगा? दूरी बटे समय। क्या बन जाएगा? दूरी बटे समय। दूसरा फॉर्मूला ये बन। और एक तीसरा जो बनता है वो निकालना आपको अगर समय है। क्या निकालना है? समय निकालना है। तो दूरी जो है वो समय निकालना है, तो ये जो चाल है उसके बटे में आ जाएगी। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे। अगर इसको बेसिक तौर पे देखें, मान लो जैसे 100 किलोमीटर आपको दूरी कवर करनी है, आपकी स्पीड है ये हो गई डिस्टेंस, और स्पीड दे गई है 50 किलोमीटर पर आवर, ये 50 किलोमीटर पर आवर। तो करना क्या है? दूरी आपको पता है, स्पीड पता है, टाइम निकालना है। तो आप बेसिकली आप जानते हैं कि अगर 100 किलोमीटर की दूरी जाना है मुझे और मेरी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, तो मुझे समय कितना लगेगा? तुरंत हिसाब लगा लेते हो कि 100 बटे 50 मैथ है। और जब आप ऐसे ही हिसाब लगाते हो व्यवहारिक तौर पर कि मेरी स्पीड 50 है और मुझे 100 जाना है, तो मुझे 2 घंटे लगेगा। अगर मैथ्स में लगा रहा हूँ उसको, तो करना क्या होगा भाई? तो देखो, आपको निकालना है यहाँ पे डिस्टेंस पता, स्पीड पता, टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला मैंने लिखाया है समय बराबर दूरी बटे, तो दूरी कितनी 100, स्पीड कितनी 50। बहुत बेसिक, तो ये आ जाएगा 2 घंटे। कितना आ जाएगा? 2 घंटे। इसमें कुछ होता नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन। तो 2 घंटे आ गया। तो एक चीज और इसमें आपको देखिए कि जैसे ये दिया है, यहाँ पे करना क्या है, यूनिट में दिया जाता है, तो इसमें 3 यूनिट दी जा सकती है। जैसे कभी कभी होता है जो डेटा होता है मीटर प्रति सेकंड में ज्यादा रहता है, ये देखा डिस्टेंस जो होगी वो मीटर में है, इसमें मीटर में है, तो जो समय टाइम की यूनिट होगी वो सेकंड में रहती है। इसमें रहती है सेकंड में रहती है। अगर ये डिस्टेंस जो है कभी दे दी जाए किलोमीटर, किसमें? किलोमीटर। तो इधर का टाइम जो होता है घंटे में, किसमें? आवर में काउंट करते हैं, घंटे में काउंट करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये क्वेश्चन में मीटर प्रति मिनट भी दे दें, मीटर पर मिनट भी दे दिया जाता है। ये क्वेश्चन पे डिपेंड होता है, इस पे क्वेश्चन पे डिपेंड होता है क्या होगा उसका। और इस के आगे थोड़ा एक चीज आप कॉन्सेप्ट में देखे होंगे, उसे ट्रेन में जरूरत पड़ती है कभी भी। यहीं पर मैं उसको बता देता हूँ। जैसे मान लो 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, कितनी? 1 किलोमीटर। और इस 1 किलोमीटर डिस्टेंस को
घंटे में तय करते हैं, सॉरी एक घंटे में, वन आवर लिख लेते हैं, ये हो गया एक किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होगा। अगर आप इसको मीटर में चेंज कर लें तो 1000 मीटर हो जाता। और जब ये मैंने डेटा बताया कि मीटर में होगा तो यहाँ सेकंड होना चाहिए, तो एक घंटे के सेकंड कितने बनेंगे, एक घंटे में मिनट भाई कितने होते हैं 60, और एक मिनट में सेकंड कितने होते हैं 60, तो इस हिसाब से होते हैं। तो ये जीरो करके दो तो बन गए, अब ऊपर बचा 10 और नीचे बचा 36, तो आप इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, 2 × 5 = 10 और 2 × 6 = 18, क्या आ जाता है 5/18। अब ट्रेन के टॉपिक में इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और ट्रेन और समय और दूरी साथ साथ में चलेगी, ट्रेन का कॉन्सेप्ट भी आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ी एक छोटी सी बात शायद कहीं पर जरूरत पड़े समय दूरी में, तो मैंने इसको बताया। तो ये 5/18 का मतलब क्या हुआ भाई, 5/18 का मतलब ये है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति 36 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जा रहा है, ये किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं मीटर प्रति सेकंड में, किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, एक चीज याद रखना किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर बड़ी यूनिट है और मीटर जो है वो छोटी यूनिट है। अगर कभी भी आपको किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो करेंगे आप क्या, ये 5/18 से गुणा करनी पड़ती है, तो 5/18 से इसको भाग देंगे 18 × 36, तो ये आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। अब काम नाम जो होता है इसका एक ही चीज समझ नहीं आती, कंफ्यूजन हो जाता है 5/18 और 18/5, तो वो 5/18 18/5 मुझे रख के देखना पड़ता है और कटता है तब हम समझ आता है याद है नहीं है पता नहीं। तो आप करना क्या है, आपको ये एक बात बता देता हूँ, जैसे ये देखो दिया है 10 मीटर पर सेकंड, दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड दिया और इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना, तो आप 10 को 18/5 करेंगे, देखिए तो कितना भैया आ गया 36 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इसको याद रखने के लिए मैं एक बात बताता हूँ, मीटर जो होता है वो किलोमीटर से छोटा होता है, तो जब कभी भी किलोमीटर को मीटर में चेंज करना हो तो छोटा वाला नंबर ऊपर रहेगा क्योंकि मुझे छोटा चाहिए, और अगर मीटर प्रति सेकेंड को बड़ा करना है तो इसमें 18 बड़ा होता है तो 18 वाला ऊपर रहेगा 18/5, इस तरीके से क्वेश्चन। एक बार थोड़ी और बेसिक बता देते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आता है औसत, औसत औसत का फॉर्मूला अभी आप पहले औसत पढ़ चुके हैं, औसत टॉपिक में पढ़े होंगे, औसत बराबर होता है कुल, यहाँ पे आएगा कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। अब औसत का जैसे मान लो ये दूरी है, यहाँ से ये दूरी है 100 किलोमीटर, क्या है 100 किलोमीटर। अब एक बार आप इसको 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाते हैं 20 किलोमीटर, और उधर से आप आते हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आते हैं 20, तो आप एक बात ये सोचे कि भाई 20 से जाते हैं, तो 20 से जाते हैं यहां तक तो आपको समय कितना लग जाएगा 100/20 के हिसाब से 5 घंटे लग जाएगा। जब उधर से आएंगे 100 किलोमीटर की डिस्टेंस तो आएंगे 10 से तो कितना समय लग जाएगा 10 किलोमीटर सॉरी 10 घंटे 10 आवर। तो इसमें यह पूछा जाता है कि कुल औसत चाल क्या होगी, क्या होगी, तो औसत की जब बात करते हैं तो देखो 100 किलोमीटर दूरी गए तो 100 हो गई, और उधर से 100 किलोमीटर
आया, तो 100 किलोमीटर दूरी जो है ये, और उधर से 100 आएंगे तो कितनी दूरी बन जाएगी 200। तो एक फार्मूला आपको यहाँ से बनाना है, बेसिक तरीके से ये मैंने आपको बताया। जैसे ये होता है 2xy, x से गया y से आया, 2xy बटे x प्लस y, ये डायरेक्टली फार्मूला याद रखना। चाहे तो आप यहाँ से अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं, और बाकी फॉर्मूले से एवरेज निकाला हो तो उससे भी निकल आता है। इसमें और एक क्वेश्चन बनता है, वो अभी क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, देखिए देखिए। इसे एक क्वेश्चन आता है, एक आदमी 5 किलोमीटर, आदमी स्कूल जाएगा नहीं तो स्ट्रांग नहीं है, तो बच्चा कर बच्चा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। उसे तो 3 घंटे का समय लगता है घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करने। क्वेश्चन पूछा जाता है तो दूरी निकालनी है मुझे। यहाँ पे होता क्या है, देखिए पहले जो उसकी स्पीड कितनी थी 5, बाद में जो स्पीड हो गई वो कितनी हो गई 10। अब नीचे देखिए 10 और 5 15, और समय टोटल कितना लगता है 3। तो इसको 3 से काट लेते हैं 5, और 5 से 5 कट गया तो दूरी कितनी बन गई 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर स्कूल की दूरी हो गई। अब एक चीज देख लीजिए कैसी तरीके से, मान लो स्कूल उसका 10 किलोमीटर तो पहले किससे गया था 10, तो 10 किलोमीटर जो वो गया होगा 10 के हिसाब से तो समय कितना लगा 1 घंटे। फिर वही 10 किलोमीटर दूरी जब वो वापस आया है तो उसकी स्पीड कितनी हो गई है, नहीं इसका 5 था पहले तो 5 से इसको भाग देंगे तो 2 घंटे लग गए। लेकिन जब वापस आया तो दूरी वही 10 किलोमीटर जो है वो किसके हिसाब से आया 10 से, तो समय कितना लग गया 1 घंटे। तो आप एक बात बताइए, 2 इधर 1 इधर, देखिए 3 घंटे होगा और 3 घंटे यहाँ पे समय था, तो ये प्रोसेस समझ आ गई होगी। तो यहीं से एक फार्मूला इसलिए बनाया जाता है, S1 यानी स्पीड 1 गुणे S2 यानी स्पीड 2, नीचे S1 प्लस S2 इनटू टोटल टाइम, तो इससे निकल आती है। तो इसमें वैल्यू रख दी जाती है 5 × 10/15 इनटू टाइम, तो दूरी पता चल जाती है। तो इसका आंसर कितना रहा 10 किलोमीटर दूरी। देखिए ऐसे ही एक और क्वेश्चन, तो देखिए एक उसी तरीके का क्वेश्चन जो अभी आप सॉल्व कर चुके हैं, तो इसमें और एक सॉल्व कर लेंगे। जैसे बताया बच्चा एक ट्रेन से कुछ निश्चित दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौट कर आता है, आने जाने में कुल समय 5 घंटे 48 मिनट का समय लगता है, तो ज्ञात करो कि उसने ट्रेन से कितनी दूरी तय की। तो करना क्या है, अभी मैं आपको बता चुका हूँ, S1 × S2 / S1 + S2 इनटू टोटल टाइम, तो किससे गया 25 से 25 कर दीजिए, वापस आया 4 से तो 4 कर दीजिए, नीचे 25 और 4 29 हो जाएगा। टोटल समय जो दिया है वो 5 घंटे 48 मिनट है, तो मिनट को भी घंटे में चेंज कर लीजिए, 5 तो यह 48/60, तो ये हो जाएगा 4/5, इसको जोड़ेंगे 25 और 4 29/5 कर दीजिए 29/5, 29 से 29 कट गया, 5 से ये 5 बार कट गया, 5 × 20 किलोमीटर ये हो गया आंसर, ये दूरी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यदि एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो वह अपने विद्यालय निश्चित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, पर यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो वह 10 मिनट देरी से पहुंच पाता है, तो घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात करनी है। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ, उसमें क्वेश्चन में था क्या,
यानी कोई 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता था, 5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस आता था और वहां पे दिया रहता था टोटल समय। इसमें क्या चीज हुआ, यदि 4 की स्पीड से जाए तो वो क्या होता है 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, और अगर अपनी स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे यानी स्पीड थोड़ी कम कर दे तो क्या होता है 10 मिनट लेट हो जाता है। अब इसमें क्वेश्चन जब कभी भी आएगा लेट और ये पहले का आएगा, तो टोटल टाइम के लिए अगर एक बार लेट और एक बार पहले है तो समय जुड़ जाएगा। अगर एक बार लेट है ये और एक बार बिफोर है पहले पहुंच रहा है तो समय जुड़ जाएगा। अगर दोनों बार लेट लेट है, दोनों बार लेट लेट है तो समय घट जाएगा, और अगर दोनों बार बिफोर है तब भी क्या होगा समय आपस में घट जाएगा। तो जुड़ेगा किस कंडीशन में, एक बार जल्दी एक बार देर, और बाकी अगर सेम सेम है तो घट जाएगा। क्वेश्चन में बदलाव क्या आएगा, जो आपका फॉर्मूला था वो था S1 गुणे S2 और बटे S1 प्लस S2 था इनटू यहाँ पे टोटल टाइम था, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। इसमें परिवर्तन क्या आएगा, सिर्फ ये प्लस जो है यहाँ पे हो जाएगा माइनस, तो देखिए किस से जाता है 4 से, वापस किससे आता है 3 से, नीचे अंतर रहेगा दोनों का, माइनस में कभी नहीं लिखना है, घटाना नहीं है, सिर्फ अंतर लिखना है। तो 4 में से 3 गया 1। अब टोटल समय यहाँ पे 10 मिनट पहले है और यहाँ पे 10 मिनट देर है, तो अपोजिट पहले और देर तो दोनों जुड़ेंगे तो कितने 20 मिनट बन जाएंगे। ये दूरी किलोमीटर में और ये डेटा मिनट में, तो आप इसको तुरंत घंटे में चेंज कर लेंगे, ये हो गया। अब देखो 20 3 और 3 से 3 और आंसर कितना हो गया भाई 4, यही आंसर। देखिए यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता हूँ तो मेरी रेलगाड़ी 7 मिनट पहले छूट जाती है, परंतु यदि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता हूँ तो रेलगाड़ी रवाना होने से 5 मिनट पहले पहुंच जाती है, रवाना होने से 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूँ, घर से स्टेशन के बीच की दूरी ज्ञात करना। क्वेश्चन वही है जो पहले, देखो 5 1 बार 6 तो दोनों का अंतर कितना होगा 6 माइनस 5। इस बार देखो यहाँ पे जो दिया गया है टाइम, दोनों बार बिफोर दिया गया 7 मिनट ये और यहाँ 5 मिनट, यहाँ भी पहले है और यहाँ भी पहले, तो मैंने बताया था जब सेम होगा तो समय घट जाएगा, तो 7 माइनस 5 कितना आएगा 2 2, ये मिनट है इसको घंटे में चेंज करोगे 60, 5 6 20 30 से काटोगे 2 बार और 2 से 2 कट गया, 6 में से 5 गया 1, दूरी कितनी बची केवल 1 किलोमीटर। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाते तो 40 मिनट कम समय लेता है, परंतु अगर वह अपनी चाल गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटाते तो 40 मिनट ज्यादा समय लगता है, दूरी क्या है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, स्पीड पहले उसकी मान लो थी s, क्या थी s थी, अब बाद में उसने किया क्या थोड़ी गति बढ़ा दी, कितनी s+3 गति, तो पहले वही होता था चालों का जो होता था वो घुड़ा किया जाता था, तो एक चाल ये हो गई और एक ये हो गई घुड़ा हो गया, नीचे दोनों का अंतर लिखना होता था, तो S1 और S+3 का अंतर करोगे तो कितना आ जाएगा 3, SS कट जाएगा 3 आ जाएगा, समय यहाँ पे कितना है 40 मिनट है तो घंटे के लिए ये करना पड़ेगा। फिर देखिए दूसरा, अगर स्पीड वही थी S, अगर घटा दे कितनी 2 घटा दिया तो अंतर क्या रहेगा नीचे 2 रहेगा,
40 बटे 60 देखिए एस इधर भी एस इधर कट जाएगा, यहाँ 40 बटे 60 कट जाएगा। अब देखिए दो की गुणा इधर कर लेते हैं, 2s प्लस 6 बराबर 3s माइनस 6, 3s इधर लाओगे तो माइनस का s और 6 उधर जाएगा माइनस का 12, तो माइनस माइनस कट गया। स्पीड कितनी आ गई 12, तो स्पीड पता चल गई, स्पीड हो गई 12 किलोमीटर प्रति घंटे। पूछिए आपसे क्या है दूरी, तो दूरी के लिए कहीं भी एक जगह पर रख दीजिए। तो देखो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, एस की जगह 12, 12 में 3 जुड़ेगा 15, नीचे दोनों का अंतर कितना रहेगा 3, फिर क्या होगा 40 बटे 60, तो 12 से इसको काटे 5, 5 से काटा 8 और 3 से काटा 5, 5 अंठे सॉरी 40 किलोमीटर, ये हो गई दोनों आंसर। देखिए एक और क्वेश्चन, एक आदमी को निश्चित दूरी कार से जाता है, अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा इंक्रीज करता है तो कोई स्पीड नहीं होगी एस, और बढ़ा दिया कितनी 6, तो कर दिया एस प्लस 6, तो नीचे तो अंतर नहीं बताया गया, इस बार समय कितना 4 घंटे का लेता है तो गुणे 4, अब ये घंटे में समय दिया है इसमें चेंज नहीं करना है, बटे 60 नहीं होगा दूसरे में। फिर ये देखा वो अपनी स्पीड कुछ कम कर दे कितनी एस माइनस 6, तो अंतर नीचे कितना 6, तो फिर 6 घंटे ज्यादा लगते हैं तो गुणा कर लीजिए। थोड़ा छोटा करना चाहे जैसे 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 से ये कटा 3 और 3 से ये कटा 2, एस से एस कट गया, तो 2 की गुणा इधर करनी है, 2s प्लस 12 बराबर 3s और माइनस 18, 3s इधर लाएंगे तो माइनस का s, 12 उधर जाएगा माइनस 12 और माइनस 18 माइनस का 30, ये कट जाएगा, एस कितनी आ गई 30, स्पीड आ गई 30, दूरी निकाल के एंगल कर दीजिए 30 गुणे 30 और 6 36, नीचे कितना 6 इंटू 4 कर दीजिए 6 × 6 = 36, 6 × 24 = 72, 720 किलोमीटर, ये आंसर। देखिए एक क्वेश्चन बताया गया, अगर एक लड़का अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 600 किलोमीटर की यात्रा है, 600 लिखा है 600 किलोमीटर गति, ठीक है दूरी है थोड़ा बता दीजिए मैंने 600, ठीक है इसको ऐसे रख दो, तो 60 किलोमीटर 600 किलोमीटर की यात्रा में एक घंटा समय बचाता है ये 1 आवर, तो उसकी वास्तविक दूरी पूछी गई, वास्तविक गति पूछी गई है, तो देखो वही प्रोसेस, मान लो एस स्पीड से चलता है फिर बढ़ाता है एस प्लस 20 कर देता है, नीचे 20 रहेगा, समय कितना बचाता 1 घंटा, तो ये समय और चाल की गुणा करने पर डिस्टेंस आती है, तो आगे डिस्टेंस ही दी है तो बराबर बराबर रख सकते हैं, तो देखो इसकी गुणा कर दो इधर तो ये बन जाएगा s इंटू एस प्लस 20 और ये उधर गुणा करोगे तो 12000 बन जाएगा, 2 0 पहले से के एक इसका रख जाएगा, अब इसकी गुणा करेंगे s स्क्वायर 20s इधर लाके बराबर 0 करके पूर्णखंड करना होगा, तो थोड़ा इसमें कॉमन सेंस लगाना है, कैसे ये 12000 की ना तो एस की जगह क्या रख ले कि 12000 बन जाए, ऑप्शन दिए रहे होंगे तो वहां आप ऑप्शन से वैल्यू रख लेंगे, ठीक है तो 12000 का मतलब है जैसे ऑप्शन में दे दिया मान लो 100, एक 80 दे दिया, एक 100 दे दिया, एक 120 दे दिया, एक 200 दे दिया, ऐसे ही ऑप्शन होंगे, तो यहाँ पे अगर पहला ऑप्शन 80 रखे 80 तो ये 100 बन जाएगा, 100 80 गुणा 8 होगी
पहले कैसे, तो ऑप्शन अगर 100 रखोगे तो ये 100 बनेगा और ये 120 बनेगा। देखिए क्या बन गया, इधर भी वही चीज हो गई, इसका मतलब आंसर क्या है 100। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अभी इसके और भी क्वेश्चन जो है वो अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।